मेडिसिन्स हो, ऑक्सीजन हो या दूसरे चीज़ें हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। और अगर ये सब बातें होते हुए भी प्रशासन अगर खामोश बैठा हुआ है, तो प्रशासन उतना ही दोषी है। पिछले 2 दिनों से लगातार लोक प्रतिनिधि अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। कल रात में मुख्यमंत्री साहब और जितने भी कंसर्न सेक्रेटरीज थे उनके साथ कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई औरंगाबाद के ताल्लुक से, कि औरंगाबाद के अंदर जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, कहां हम गलत जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। उसी की कड़ी के अंदर आज औरंगाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स एडमिट किए जा रहे हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग ली गई है और बहुत अच्छे तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ के पर चर्चा की गई है। एक तो बेड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में है तो विस्तृत चर्चा की गई है। जो बिलिंग की तकरारें आती है, कई पेशेंट्स का कहना होता है कि नहीं, इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, इतना पैसा लगा दिया गया है, तो इस बारे के अंदर भी बातचीत हुई है। डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने अपनी तरफ से एक पक्ष रखा और जिसके लिए मैं पूरी तरह से उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसे पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस कोरोना की महामारी के दौरान पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं। जैसा हॉस्पिटल MGM हॉस्पिटल ने बताया कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें 150 रुपये में मिलता था, वो 150 रुपये का सिलेंडर अब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं अगर वो 300 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि वो ब्लैक कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ठेकेदार है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ये जो कचरा उठा रहा है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट उठा रहा है, उसका वो पैसा बढ़ा दिया है। तो ऐसे टाइम के ऊपर कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जहां पर चाहे वो मेडिसिन्स हो, ऑक्सीजन हो या दूसरे चीज़ें हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। और अगर ये सब बातें होते हुए भी प्रशासन अगर खामोश बैठा हुआ है, तो प्रशासन उतना ही दोषी है। और ये ब्लैक मार्केटिंग के अंदर अगर लोग पैसा बना रहे हैं और प्रशासन खामोश है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि मीटिंग का मकसद यही था कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हम कोरोना को भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले की गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे करके। अब अगर एक मंत्री यहाँ पर आकर इस तरह का बयान देके जाता है और एक महीना का ज़्यादा समय होने के बावजूद भी किसी एक पेशेंट को 1 रुपये का भी फायदा नहीं मिलता है, तो आप देखिएगा कि गवर्नमेंट मशीनरी एक दूसरे को किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। कल मुख्यमंत्री साहब के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो एक सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, कोरोना को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए है और इस कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। मैंने रोक कर कहा कि साहब ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का फायदा किसी को नहीं मिला है कोरोना का गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। इस बारे के अंदर भी जब बात हुई है तो देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ सर्कुलर निकालती है। अब बताया गया मीटिंग के अंदर कि 21 मई को एक सर्कुलर निकला था जिसके अंदर ये कोरोना को आप इसके अंदर इंक्लूड करना करके, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हम जब ये प्रपोजल बना के भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, वो रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। तो एक महीने पहला निकला हुआ सर्कुलर, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर खामोश है तो प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगर सर्कुलर आया और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी क्या दिक्कतें हैं? ये भी समझना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो ना समझते हुए हम ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो सर्कुलर निकाल दिया था, सरकार कहेगा कि नहीं इनको मिल रहा है करके, जबकि हकीकत ये है कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये सिस्टम के ताल्लुक से हमने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को ये कहा है कि आपकी क्या तकलीफें हैं, आपकी क्या शिकायतें हैं, वो आप लिखित रूप के अंदर दे, वो लिखित रूप के अंदर हम मुख्यमंत्री साहब को देंगे कि साहब आपका सेक्रेटरी तो एक अलग बात करता है, प्रशासन अलग बात करता है, हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, अल्टीमेटली कोई पिस रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो वो बेचारे गरीब पेशेंट्स हो रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए हम समझते हैं कि आज के मीटिंग के बाद जो जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं पेशेंट्स को कुछ ना कुछ फायदा होने की उम्मीद है। औरंगाबाद में लॉकडाउन फिर से होने की कुछ खबरें चल रही है? देखिए साहब, ये है कि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। लोग इस गलतफहमी के अंदर ना रहे कि कोरोना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और अब हम खुले आम घूम सकते हैं, हमारे को कोई रोक टोक नहीं है, हम लॉकडाउन को मानेंगे नहीं, हम स्वैब टेस्टिंग नहीं करवाएंगे, हम
क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाएंगे तो ये बहुत गलत बात है। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने जहन से अंदर बात निकाल दें। आप लोगों को वो अनपढ़ गवार लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं कोरोना तो कुछ है नहीं, अगर हम घाटी के अंदर गए तो हमारे को बराबर से इलाज नहीं होगा। पूरे डॉक्टर्स अपने स्तर के ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोरोना को अगर ख़त्म करने का है तो सबके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है, और अगर ये केसेस इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो और कोई इलाज नहीं रहेगा कि दोबारा लॉकडाउन किया जाए। अगर वैसी नौबत ना आए तो हम यही आप लोगों से पब्लिक से अपील करेंगे कि जो जो भी फैसले ले रहे हैं हम आपकी तरफ से फैसले रहे हैं, आपके भलाई के लिए ये फैसले ले रहे हैं, सिर्फ आपको उसका पालन करने का है। और अगर वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फिर कर्फ्यू का भी सामना करना पड़ेगा और फिर इनडेफिनेट लॉकडाउन कितने दिनों के लिए होगा ये हम भी नहीं बता सकते। सर, चार्जेस का एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जैसे चार्जेस नहीं अप्लाई किए जा रहे हैं, और दूसरा कि एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल लोग ढूंढते फिर रहे उसमें ही। देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट फैसला जो लिया गया है जो मैं समझता हूँ कि बहुत फायदेमंद रहेगा कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक नोडल ऑफिसर यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो एक हेल्प डेस्क के तौर के ऊपर काम करेगा। और ये बात बिल्कुल आपने सही पूछी है कि हॉस्पिटल जब जाता है पेशेंट तो कहा जाता है कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, फिर किसी मंत्री का फ़ोन जाता है, किसी आमदार का, किसी खासदार का या किसी प्रभावशाली नेता का जाता है तो वो बेड अवेलेबल कर दिया जाता है। ये नोडल ऑफिसर का काम ये रहेगा कि ये बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे कि कितने बेड्स अवेलेबल है, कौन से वाले बेड्स अवेलेबल है, वीआईपी रूम के हैं, नॉर्मल है, जो भी है उसके रेट्स डिस्प्ले करेंगे। और ये जो हेल्प डेस्क है ये बात को भी मॉनिटर करेगा कि जो बिलिंग हो रही है और जिसकी शिकायतें लोगों की आती है तो वो बिलिंग को मॉनिटर करने की, अगर किसी को शिकायत है कि साहब इतना ज़्यादा बिल मेरे को लगा दिया है जबकि मैंने इतनी दवाएँ इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो उसको भी मॉनिटर करने की ये नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सब काम जो है ये अभी आज की मीटिंग के बाद इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा। सर, एक सवाल और है कि 40,000 के इंजेक्शन का जो गरीब आदमी ले सकता है उससे पहले आपने देखिए एक 40,000 के इंजेक्शन के ताल्लुक से ये कल मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी बताया था कि ये 40,000 का इंजेक्शन ब्लैक के अंदर किस तरह से, मेरे पास एक शिकायत आई है, मेरे पास वे प्रूफ के साथ आया है कि वो 40,000 का भी नहीं है, 40,000 से थोड़ा कम है, 37,000-38,000 का उसको ब्लैक के अंदर बेचा जा रहा था। मैंने आज की मीटिंग के अंदर भी ये कहा है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस शॉप वाले का लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए। और ये लोग जो ऑक्सीजन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, जो मेडिसिन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, इनके ऊपर जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये गोरख धंधे चलते रहेंगे, और इसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस हद तक जिम्मेदार रहेगा। हमने ये कहा है कि आप इसको नोटिफाई करिए, ये इंजेक्शन का रेट इतने में है, हर मेडिकल स्टोर के ऊपर ये इंजेक्शन इतने में ही मिलना चाहिए, अब उसके ऊपर अगर वो 10 रुपये भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है।